नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दरभंगा के सुनहरे रेल इतिहास के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। दरभंगा समस्तीपुर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। दरभंगा मिथिलांचल की राजधानी भी कहलाती है। दरभंगा शब्द का जन्म दर ए बंग अर्थात बंगाल का दरवाजा से हुआ है। दरभंगा राज के अंतिम राजा महाराज बहादुर वीर कामेश्वर सिंह थे। वर्ष 1873-74 में उत्तरी बिहार भीषण तम अकाल से ग्रसित हो गया था। राहत और बचाव कार्य को गति प्रदान करने के लिए तिरहुत स्टेट रेलवे कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाई थी। 17 अप्रैल 1874 को दरभंगा यानी हराही स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। 1 नवंबर 1875 को दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए दलसिंहसराय तक की मीटर गेज लाइन को खोला गया था। इस लाइन के निर्माण एवं राहत कार्य में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के नेतृत्व में तिरहुत स्टेट रेलवे ने ठीक 144 साल पहले दरभंगा और समस्तीपुर के बीच रेल सेवा का शुभारंभ किया था। छोटी लाइन की पटरी को बड़ी लाइन में बदलने का सपना तत्कालीन रेल मंत्री केदार पांडे ने देखा था, जिसे ललित नारायण मिश्र ने पूरा करने का वादा किया, लेकिन उनके मौत के 21 साल बाद उनका सपना पूरा हो सका। शुरुआती दिनों में दरभंगा में 3 रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। पहला लहरियासराय जो अधिकारियों के लिए था, दूसरा हराही स्टेशन। बता दूं कि पहले दरभंगा स्टेशन का नाम हराही था और यह स्टेशन आम जनता के लिए था। तीसरा स्टेशन नरगोना टर्मिनल था, जहां महाराज की पैलेस ऑन व्हील्स आकर रुकती थी। तो आइए विस्तार में जानते हैं दरभंगा के रेल इतिहास के बारे में। रेलवे ने दरभंगा में अपना सुनहरा समय देखा है। दरभंगा स्टेशन गवर्नर वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो एवं लॉर्ड वेलिंगटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी आदि के आगमन का साक्षी रहा है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का बचपन दरभंगा में ही गुजरा था। इन सब हस्तियों ने दरभंगा महाराज के पैलेस ऑन व्हील्स से हराही स्टेशन से नरगोना टर्मिनल तक सफर किया है। नरगोना पैलेस इतिहास का ऐसा अनोखा पैलेस था जिसके पास अपना रेलवे टर्मिनल था। यह भारत का पहला भूकंपरोधी महल है। नरगोना भारत का पहला पैलेस था जिसमें एसी एवं लिफ्ट लगा था। आपको बता दूं कि इस महल में एक भी ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। यह पूरा महल सीमेंट के मजबूत खंभे और दीवारों से बना है। साथ ही साथ इसके पास अपना रेलवे स्टेशन और शाही ट्रेन भी थी। पैलेस ऑन व्हील्स हराही उर्फ दरभंगा स्टेशन से चलकर वर्तमान में दरभंगा रेलवे यार्ड में, जहां रेलवे क्वार्टर है, वहां से होकर नरगोना टर्मिनल जाती थी। टर्मिनल पर एक प्रवेश द्वार हुआ करता था, जहां से ट्रेनों का प्रवेश टर्मिनल में होता था। दरभंगा के आखिरी महाराज के गुजरने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर कई यादगार इतिहास समेटे इस ट्रेन को इतिहास बना दिया गया। एक को कबाड़ी के यहाँ बेच दिया गया, वही दूसरे को आग के हवाले कर दिया गया और इस तरह मिट गया एक सुनहरा इतिहास। इसके बाद नरगोना टर्मिनल के प्रवेश गेट को बंद कर दिया गया और आज वहाँ दीवार है। इस टर्मिनल के परिसर में वर्तमान में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पीजी हॉस्टल स्थित है। दरभंगा के सुनहरे इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और तस्वीर। यह तस्वीर 30 मार्च 1994 की है और उस वक्त दरभंगा के पास खुद का लोको शेड था, जिसके इंजन पर दरभंगा लिखा होता था। बड़ी लाइन होने के बाद दरभंगा के लोको शेड को बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं दरभंगा फारबिसगंज रेल सेवा के बारे में। दरभंगा से झंझारपुर निर्मली होते हुए रेल सेवा कनवा घाट यानी प्रतापगंज तक जाती थी। वहां से नदी पार करके अंचरा घाट जाते थे और फिर फारबिसगंज से पूर्णिया और आगे की लाइन थी। उस समय कोसी नदी कनवा घाट और अंचरा घाट के बीच थी। यह भी कहा जाता है कि उस जमाने में दरभंगा का संपर्क फारबिसगंज से इस प्रकार था और वह रूट उस समय का ट्रंक रूट था, क्योंकि तब बरौनी कटिहार रेलमार्ग अस्तित्व में नहीं आया था। 15 जनवरी 1934 के भूकंप के बाद दरभंगा से सहरसा और फारबिसगंज का संपर्क खत्म हो गया। आने वाले समय में इस रेलखंड पर फिर से रेल सेवा शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के बारे में। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड का आमान परिवर्तन ब्रॉड गेज में 30 जनवरी 1996 में किया गया था।
दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड की बड़ी लाइन होने से पहले समस्तीपुर बरौनी एवं समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन में परिवर्तित हो चुकी थी और तब तक इन सब रूटों पर कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हो चुका था जो लंबी दूरी तक जाती थी। दरभंगा से भी धीरे धीरे कई शहरों के लिए सीधी रेल सेवा शुरू की गई। बदलते वक्त के साथ साथ वह हराही स्टेशन दरभंगा जंक्शन बन गया। ।2014 में दरभंगा सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड भी बड़ी लाइन हो गई, जिसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। वर्तमान में दरभंगा से कई बड़ी शहरों के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है, जिसमें नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति, बैंगलोर होते हुए मैसूर जाने वाली बागमती एक्सप्रेस, पुणे जाने वाली ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस, अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस, दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस आदि शामिल है। दरभंगा जयनगर रेलखंड की बड़ी लाइन होने के बाद कई ट्रेनों का विस्तार जयनगर तक कर दिया गया, जिसमें दरभंगा पुरी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, गंगा सागर एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आदि शामिल है। अप्रैल 2018 में दरभंगा से जलंधर सिटी के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस चलाई गई और नरकटियागंज रेल लाइन खुलने के बाद दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। आने वाले कुछ सालों में दरभंगा से जनकपुर, निर्मली, फारबिसगंज, लोकहा बाजार तक सीधी ट्रेन चलेगी। दरभंगा जंक्शन समस्तीपुर मंडल का पहला एवं पूर्व मध्य रेलवे का तीसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टेशन है। ज्यादा भीड़ होने पर दरभंगा पूर्व मध्य रेलवे का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टेशन भी बन जाता है। वर्तमान में दरभंगा में 5 प्लेटफॉर्म है और वीआईपी प्लेटफॉर्म नंबर 6 का काम शुरू होने वाला है। जैसे दरभंगा के सुनहरे इतिहास की उपेक्षा की गई, वैसे ही वर्तमान में भी उपेक्षा की जा रही है। सबसे अधिक आय देने के बाद भी सुविधाओं का घोर अभाव है। A1 जंक्शन पर जितनी सुविधा होनी चाहिए वह अब तक नहीं मिली है। हाँ, पिछले 1-2 सालों में स्थिति सुधरी जरूर है और ट्रेनों का विस्तार रुका है। पूर्व मध्य रेलवे ने दरभंगा के सुनहरे इतिहास को सराहा है और संरक्षित करने की ठानी है। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM रविंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में 8 जुलाई 2018 को दरभंगा जंक्शन के परिसर में हेरिटेज इंजन को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया गया। यह इंजन 1913 में इंग्लैंड से लाया गया था। तो आइए आपको बताती हूँ तिरहुट रेल इंजन नंबर 235 के बारे में। 1886 में दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुट में नील की खेती बंद करने का फैसला लिया और जिसके बाद पंडोल स्थित सबसे बड़े नील कारखाने के निकट चीनी कारखाना लगाने का फैसला हुआ। जिस समय जमशेदपुर और डालमिया नगर जैसे औद्योगिक नगर बसाए जा रहे थे, उसी समय 1905 में देश के पहले आधुनिक चीनी मिल का शिलान्यास तत्कालीन दरभंगा जिले के लोहट में हुआ। करीब 9 वर्ष के बाद 1914 में इस कारखाने से उत्पादन शुरू हुआ। वह देश का पहला चीनी मिल था जिसके पास कच्चा माल लाने के लिए अपना रेल इंजन और ट्रेन था। इस कारखाने में तैयार चीनी तिरहुट स्टेट रेलवे के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाई जाती थी। रेल ट्रॉली का उपयोग भी इस मिल में सबसे पहले हुआ। रेल इंजन का उपयोग कारखाना बंद होने तक किया गया था। 21 मई 1913 में निर्मित यह इंजन 1994 में इंग्लैंड से दरभंगा पहुंची। 16 मार्च 1996 तक इस इंजन ने अपनी सेवा दी। शुरुआती दिनों में यह इंजन मेन लाइन पर भी चला करती थी, लेकिन बाद के दिनों में लोहट चीनी मिल से पंडोल स्टेशन तक आवाजाही सीमित कर दी गई। 1982 में भारतीय रेल ने इस सेक्शन को अपने जिम्मे में लिया। इसके बाद इंजन का उपयोग परिसर के अंदर माल की आवाजाही करने भर तक रह गई और आखिरकार कारखाने के बंद होने के साथ ही मार्च 1996 में यह स्टीम इंजन हमेशा के लिए बंद हो गई और 22 साल के लंबी कोशिश के बाद इसको दरभंगा जंक्शन के परिसर में लगाया जा सका है। और इसको लगवाने का पूरा श्रेय दरभंगा सिटी टीम को जाता है, जिन्होंने समस्तीपुर DRM महोदय के माध्यम से बिहार सरकार तक यह बात पहुँचाई और फलस्वरूप यह इंजन दरभंगा जंक्शन के परिसर में लग गया। अगर आज महाराज की स्पेशल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स एवं नरगोना टर्मिनल रेलवे स्टेशन को बचा कर रखा जाता तो दरभंगा का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भारत का इकलौता ऐसा यूनिवर्सिटी होता जिसके परिसर में रेलवे स्टेशन होती जहां पैलेस ऑन व्हील्स लगी रहती।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने दरभंगा के रेल इतिहास के संरक्षण का काम शुरू करवाया, लेकिन उनके तबादले के बाद विश्वविद्यालय ने नरगोना टर्मिनल के परिसर में विश्वविद्यालय का मकान बनाना शुरू कर दिया और अब इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए शायद ही कोई आगे आएगा। इतना गौरवशाली होने के बाद भी यह दरभंगा की बदनसीबी है कि बिहार सरकार या कोई भी नेता दरभंगा के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आज तक आगे नहीं आया है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हम इन ऐतिहासिक धरोहरों का अंत अपनी आंखों से देखेंगे।